और बेटे, क्या हाल चाल? तुम्हारा भाई एकदम मस्त सेक्सी। इंतहा हो गई लोड शेडिंग की। ये मतलब बस यार, मैं कह रहा हूँ इंतहा हो गई भाग के। हैं ये मतलब फिर देहात में क्या बनता होगा? हैं छोटे छोटे जो शहर होते हैं ना, उनमें जाती है कम लाइट। बड़े से शहर हो ना, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद तो पाकिस्तान में नहीं है ना, तो वो तो पाकिस्तान से थोड़ा बाहर है। वहाँ मैंने सुना सिर्फ 2 से 3 घंटे हैं, और दही अलाद में जो है ना, देहातों में 18 18 घंटे। उनको वैसे ही भाई जान एक पंखा चले, एक बल्ब चले बस है। और इस्लामाबाद के तकरीबन हर घर में एसी, कूलर तो लाजमी है। लेकिन वहाँ नहीं जानी, और वहाँ जानी यार खुदा का खौफ ही करो कोई तो है। और अभी समझने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है जनाब साहब के तेल गैस मुक गया ही, बिजली बनाने वाला। हालात और ख़राब। नहीं, कल मैं वो देख रहा शो शाहजेब खान ज़्यादा का है, तो उसमें भाई वो बता रहा कि जनाब साहब ये जो बिजली बन रही है, ये जनाब साहब डीजल से और पेट्रोल से जो है ना, थोड़ी बहुत कुदरती गैस से, वो उससे बन रही है। हैं नहीं तो फर्नेस ऑयल वो भी ख़त्म हो पड़ा, कोयला वो भी ख़त्म हो पड़ा, जो गैर एलएनजी बाहर से आनी थी वो भी मुक्की खड़ी, वो भी नहीं आ रही जनाब साहब, क्योंकि पेट्रोल और उसकी कीमतें बढ़ चुकी हैं, कोयले की कीमत बढ़ चुकी है, तो वो आने नहीं है। हैं ये छोटे मोटे जिस तरह बिजली चल रही है, सब्र शुक्र मनाओ और बचत करो जितनी बिजली की बचत हो सके। लेकिन कहाँ तक करें भाई, गर्मी है, हैं पंखा ऐसा लगता है जैसे हवा नहीं दे रहा, कुछ भी ना देता एसी के सिवा, कोई हालात समझ साजगार नहीं समझ आते भाई, क्या करें। और इसमें से बिजली वाले कह रहे हैं बचत करो, इतनी लोड शेडिंग होने के बाद भी, ये मतलब भा दे दो फिर हमें।